करते हैं बनावट खबरों के साथ। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव का निधन, यूपी में 3 दिन का राजकीय शोक घोषित, पीएम मोदी, सीएम गहलोत समेत दिग्गज नेताओं ने जताया शोक। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के निधन पर पीएम मोदी ने जताया दुख, कहा मुलायम सिंह यादव का जाना देश के लिए बहुत बड़ी क्षति, मुलायम जी के साथ मेरा नाता विशेष प्रकार का रहा, उन्होंने 2013 में जो आशीर्वाद दिया, 2019 में संसद का आखिरी सत्र था तब उन्होंने कहा था कि मोदी जी सबको साथ लेकर चलते हैं। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मुलायम सिंह यादव के निधन पर दुख जताया, उन्होंने कहा देश के पूर्व रक्षा मंत्री और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में मुलायम सिंह का योगदान हमेशा अविस्मरणीय रहेगा। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने मुलायम सिंह यादव के निधन पर जताया दुख, कहा वो बड़े नेता थे, वो धर्मनिरपेक्ष नेता थे जिन्होंने पिछड़ी जातियों के लिए काम कर उन्हें सशक्त बनाया, उन्होंने सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ डटकर मुकाबला किया, उन्होंने जिस तरह से हिंदू मुस्लिम भाईचारे को आगे बढ़ाया हमें उनसे सीखना चाहिए। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के निधन पर गृहमंत्री अमित शाह ने दी श्रद्धांजलि, अमित शाह ने गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि दी। मुलायम सिंह यादव के निधन पर सीएम शिंदे ने जताया शोक, कहा उन्होंने यूपी के विकास में बहुत योगदान दिया, उनके परिवार के साथ मेरी संवेदनाएं, मैं उनके परिवार के दुख में सहभागी हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात दौरा, पीएम मोदी ने गुजरात के आणंद में जनसभा को किया संबोधित, कहा हमारा सौभाग्य कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को पंचायत से विधानसभा तक का लगभग 25 वर्षों का अनुभव है। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया दौरे पर विदेश मंत्री जयशंकर, ऑस्ट्रेलिया से योगी सीनेटर वोम से की मुलाकात, 13वीं विदेश मंत्रियों की रूपरेखा हुई समाप्त, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट कर दी जानकारी। देश के 9 राज्यों में बारिश की चेतावनी, मॉनसून सीजन जाने के बाद भी देश भर में बारिश का कहर जारी, मौसम विभाग ने 11 अक्टूबर तक उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, आंध्र प्रदेश, केरल, गुजरात, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया। उत्तर प्रदेश में अतिवृष्टि से बिगड़े हालात, अतिवृष्टि के संदर्भ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किए निर्देश, अतिवृष्टि से प्रभावित जिलों के डीएम को दिए निर्देश, कहा भारी बरसात से जल भराव की समस्या का तत्काल निस्तारण हो। उत्तर प्रदेश के कानपुर में लगातार हो रही बारिश के कारण कुछ इलाकों में जल जमाव हुआ है, बारिश को देखते हुए जिला प्रशासन ने सभी सरकारी और निजी स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया है। उत्तर प्रदेश में लगातार भारी बारिश के कारण बलरामपुर में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है, बाढ़ जैसे हालात बन जाने के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, वहीं यातायात व्यवस्था बाधित हो गई है। उत्तर प्रदेश में भारी बारिश के बाद पानी की आवक जारी है, पानी की आवक के चलते नदी नाले उफान पर हैं, अयोध्या में भारी बारिश के कारण सरयू नदी का जलस्तर बढ़ गया है। आज बंद हो रहे श्री हेमकुंड साहिब के द्वार, उत्तराखंड के चमोली में स्थित श्री हेमकुंड साहिब, यहां लगातार 2 दिन से हो रही बर्फबारी, बारिश के बाद बर्फबारी का दौर शुरू, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भारी हिमपात, धार चूला में भारी हिमपात, साउथ अमेरिकी देश वेनेजुएला में भूस्खलन, 22 लोगों की मौत, 50 से ज्यादा लापता। दूसरे वनडे में टीम इंडिया की धमाकेदार जीत, श्रेयस अय्यर ने जड़ा शतक, ईशान किशन भी चमके। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, मुठभेड़ में 2 आतंकियों को ढेर किया, सर्च ऑपरेशन जारी। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल में भीषण आग लग गई, मॉल के फूड कोर्ट में रेस्टोरेंट में शॉर्ट सर्किट हुआ और देखते ही देखते आग फैलने लगी। कोलकाता के मोमिनपुर इलाके में 2 पक्षों में तनाव हो गया, वाहनों में तोड़फोड़, पथराव, बम भी फेंके गए, भारी संख्या में लोगों ने पुलिस थाने का किया घेराव, इलाके में भारी पुलिस बल, आरएएफ की तैनाती की गई। क्रीमिया ब्लास्ट के बाद रूस का पलटवार, रूस ने कीव पर दागी मिसाइलें, यूक्रेन की राजधानी कीव पर दागी मिसाइलें, क्रीमिया ब्रिज ब्लास्ट के बाद गुस्से में रूसी राष्ट्रपति पुतिन, सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाई, पुतिन ने बैठक से पहले यूक्रेन में अलर्ट जारी किया। देशभर में कोरोना के मामलों में उतार चढ़ाव का दौर जारी, वहीं देश में 2,424 नए कोरोना के मामले सामने आए, वहीं कुल एक्टिव केसों की संख्या 28,079 रही। चित्तौड़गढ़ में 2 दिवसीय मीरा महोत्सव का आगाज हो गया, कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा समेत कई प्रदेशों के आए कलाकारों ने प्रस्तुति। मशहूर सिंगर और इंडियन आइडियल 12 के विनर पवनदीप राजन देर रात चित्तौड़गढ़ पहुंचे, इंदिरा प्रियदर्शनी ऑडिटोरियम में आयोजित एक चैरिटी शो में पवनदीप राजन ने अपने गीतों से समा बांध दिया, देर रात तक पवनदीप राजन ने लोगों का काफी मनोरंजन किया। डेगाना में सिटी मॉल द्वारा अपने ग्राहकों के सम्मान में लकी ड्रॉ कूपन आयोजन के कार्यक्रम का आयोजन किया गया, इस कार्यक्रम में पूर्व विधायक रिजपाल सिंह मिर्धा ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। और चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं फटाफट खबरों का। नागौर के डेगाना में लंबी बीमारी से गायों के बचाव के लिए अश्वनी सिंह भाटी परिवार ने सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया। अश्वनी सिंह भाटी ने बताया कि गायों में लंपी जैसी बीमारी फैलती जा रही है और सैकड़ों की संख्या में गायों की मौत हो गई है।
नागौर में दीगाना निवासी बिलाल को दुबई में अमीरात इस्लामिक बैंक द्वारा वित्तीय सेवाओं में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सम्मानित किया गया। बताया कि बिलाल खान दुबई में अमीरात इस्लामिक बैंक में कई वर्षों से कार्य कर रहे हैं। दुबई में रहने वाली भारतीय और दीगाना निवासियों ने बिलाल खान को बधाई दी। लंपी संक्रमण के प्रभाव को रोकने के लिए प्रतापगढ़ में पशुपालन विभाग की ओर से वैक्सीन लगाने और सर्वे का अभियान जारी है। बीते 24 घंटे में 231 पशुओं में संक्रमण की पुष्टि हुई है, वहीं 13 की इससे मौत हुई है। पलसून थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 महीने से फरार दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार किया। रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। जैसलमेर में राज्य अंतर सिविल सेवा सप्तम बास्केटबॉल और पश्चिम वॉलीबॉल प्रतियोगिता का समापन किया। वॉलीबॉल में भीलवाड़ा और बास्केटबॉल में पाली की टीम ने बाजी मारी। राजसमंद के नाथद्वारा नगर के लालबाग चौराहे पर नेशनल हाईवे पर बड़ा सड़क हादसा हो गया। अनियंत्रित पिकअप ने सर्विस रोड पर खड़े लोगों को टक्कर मार दी, जिसमें सात लोग घायल हो गए। जालौर के चितलवाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हत्या के प्रयास और अपहरण के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया। चितलवाना पुलिस ने फरार आरोपी राजूराम बिश्नोई को गिरफ्तार किया, वहीं मामले में जांच में पुलिस जुटी हुई है। छिपा बड़ौद में महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल के बाहर छात्राओं ने तालाबंदी कर विरोध प्रदर्शन किया। शिक्षकों की कमी, बैठने को लेकर व्यवस्था नहीं होने का आरोप लगाया। अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी प्रेम सिंह मीणा ने छात्राओं से समझाइश की। मेड़ता सिटी में मेड़ क्षत्रिय स्वर्णकार समाज ने अजीमगढ़ महाराज की जयंती हर्षोल्लास से मनाई। जांगेड़ भवन में स्वर्णकार समाज का प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। अजमेर में जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टर्स का तीसरे दिन भी 2 घंटे का कार्य बहिष्कार जारी रहा। 8 सूत्रीय मांगों को लेकर कार्य बहिष्कार कर अपना विरोध जताया। देसूरी उपखंड अधिकारी राजलक्ष्मी गहलोत का देसूरी से धरियाबाद स्थानांतरण हो गया। उपखंड अधिकारी का पत्रकार संघ ने उनके निवास स्थान पर जाकर साफा पहनाकर विदाई। श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर में सत्यनारायण मंदिर धर्मशाला में सर्व समाज की महिलाओं की ओर से डांडिया नाइट कार्यक्रम हुआ। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में सर्व समाज की महिलाओं ने भाग लिया। वन एवं पर्यावरण मंत्री हेमाराम चौधरी से विधायक दीपचंद खेरिया ने शिष्टाचार भेंट की। जयपुर में हुई भेंट के दौरान पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के लिए चर्चा हुई। धौलपुर में गडरिया समाज ने राजनीतिक मजबूती का अभियान राजस्थान में शुरू किया। सियासी संदेश देने के लिए आयोजन 1 नवंबर से 12 नवंबर तक रखा गया है। फतेहपुर में शरद पूर्णिमा के अवसर पर बालाजी धाम में जागरण हुआ। मंदिर की विशेष सजावट और बालाजी महाराज की प्रतिमा का श्रृंगार किया गया। नागौर के डीडवाना में जश्न ईद मिलाद उन्नबी जलसे का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मदरसा इज्जतुल इस्लाम के बच्चों ने कई धार्मिक कार्यक्रम पेश किए। जलसे में मदरसे के बच्चों के बीच धार्मिक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता हुई। मेहंदीपुर बालाजी में शरद पूर्णिमा के पावन पर्व पर ठाकुर जी ने चांदनी विहार किया। बालाजी मंदिर की छत पर ठाकुर जी महाराज चांदी के पालने में चांदनी रात में झूलते रहे। मंदिर महंत नरेशपुरी महाराज के सानिध्य में महाराज की महाआरती हुई। कुजामन सिटी में शरद पूर्णिमा के अवसर पर हौद का दरवाजा स्थित संत विलासी राम की बगीची में महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। चंद्रमा की रोशनी में 150 किलो की खीर बनाई गई। सैकड़ों भक्तों ने इस भजन संध्या के अवसर पर खूब आनंद उठाया। बांसवाड़ा में रबी की फसलों की सिंचाई के लिए 26 अक्टूबर से नहरों में पानी छोड़ा जाएगा। सोमवार को संपन्न जल वितरण समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया। किसानों ने नहरों की साफ सफाई नहीं होने पर रोष व्यक्त किया। सवाईमाधोपुर के उपखंड क्षेत्र बोनी में विगत 3 दिनों से लगातार बारिश का दौर जारी है। विगत 3 दिनों में तहसील कार्यालय पर 87 mm बारिश दर्ज की जा चुकी है। लगातार बारिश के चलते क्षेत्र के जलाशयों में पानी की बंपर आवक देखी जा रही है। नागौर के डीडवाना में भारतीय डाक दिवस मनाया गया। एक वक्त था जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपनी बात पहुंचाने का जरिया केवल और केवल डाक हुआ करता था, लेकिन संचार क्रांति चिट्ठी पत्री की आत्मीयता को लील गए। जालौर के बागोड़ा पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ कार्रवाई की। बागोड़ा पुलिस ने 2 ग्राम अवैध मादक पदार्थ स्मैक बरामद की, वहीं एक आरोपी को गिरफ्तार किया। चिरंजीवी योजना के प्रचार के लिए झुंझुनू स्वास्थ्य विभाग की ओर से चिरंजीवी मैराथन का आयोजन किया गया। मैराथन को कलेक्ट्रेट से अतिरिक्त जिला कलेक्टर जेपी गौड़ ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पलसून के आंगनवाड़ी केंद्र पर कार्यकर्ताओं की मासिक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में कार्यकर्ताओं को पोषण अभियान के तहत मोबाइल का निःशुल्क वितरण किया गया। महिला सुपरवाइजर स्नेहलता शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बजट घोषणा के अंतर्गत मोबाइल वितरण किया गया। डूंगरपुर में कोतवाली थाने के हवालात से संतरी को चकमा देकर फरार हुए आरोपी को कोतवाली थाना पुलिस ने फिर से गिरफ्तार कर लिया। बैंक का एटीएम तोड़ने के मामले में 2 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया था। बस्सी के जटवाड़ा स्थित होटल ओम रिसोर्ट में बदमाशों ने होटल कर्मचारियों के साथ मारपीट की। होटल संचालक के पुत्र के अपहरण की कोशिश की। बदमाशों ने देशी कट्टा दिखाकर उन्हें मारने की धमकी दी। हमले में एक कर्मचारी घायल हो गया। बदमाश होटल मैनेजर की जेब से करीब 10,000 रुपये निकाल ले गए।
जालौर में 14 अक्टूबर को जिला स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन होगा। महोत्सव में भाग लेने के लिए 13 अक्टूबर तक ऑनलाइन और ऑफलाइन पंजीकरण होंगे। नेहरू युवा केंद्र जालौर की ओर से जिला स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रताप चौक में किया जाएगा। पीसांगन में माता मंगरी जोड़ वाले माताजी के मंदिर प्रांगण में 7 दिवसीय भव्य धार्मिक महोत्सव का धूमधाम से आगाज हुआ। नेपाल के महंत बालक गिरी महाराज के सानिध्य में महोत्सव का विधिवत शुभारंभ हुआ। इस दौरान धूमधाम से भव्य कलश यात्रा निकाली गई। लाडनू में प्रतिवर्ष की भांति इस बार भी शरद पूर्णिमा का उत्सव पारंपरिक श्रद्धा उमंग और उल्लास के साथ मनाया गया। विभिन्न मंदिरों में सजावट की गई, धार्मिक अनुष्ठान हुए। प्राचीन मुरली मनोहर जी के मंदिर में महंत गौतमदास शास्त्री के पावन सानिध्य में शरद पूर्णिमा का कार्यक्रम आयोजित हुआ। शेरगढ़ के हिम्मतपुरा गांव में गोचर भूमि पर हो रहे अवैध अतिक्रमण को लेकर लोगों ने ज्ञापन सौंपा। अवैध निर्माण को रुकवाने को लेकर सरपंच सहित ग्रामीणों ने शेरगढ़ तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की। बांसवाड़ा में पुलिस अधीक्षक राजेश मीणा के निर्देश पर कार्रवाई की गई। राजतालाब थाना पुलिस ने थाने के सामने नाकाबंदी कर 50 से अधिक वाहनों के चालान काटे। यातायात नियमों का पालन नहीं करने वाले वाहन चालकों के चालान काटे गए। सिरोही में चिरंजीवी मैराथन दौड़ का हिस्सा सर्कल से आयोजन किया गया। मैराथन दौड़ को जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर टी शुभ मंगला और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर राजेश कुमार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रियाबड़ी पंचायत समिति सभागार में साप्ताहिक बैठक का आयोजन किया गया। उपखंड अधिकारी रियाबड़ी गौरीशंकर शर्मा की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन हुआ। बैठक के दौरान फ्लैगशिप योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन पर जोर दिया गया। डूंगरपुर के राशन डीलर अब अपनी मांगों को लेकर परेशान है। कोरोना संक्रमण से मृत 7 राशन डीलर्स को अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। वहीं इसके अलावा भी कई मांगे हैं जिसको अभी तक पूरा नहीं किया गया है। ऐसे में परेशान राशन डीलर्स ने सरकार से न्याय की गुहार लगाई है। बालोतरा के अतिरिक्त जिला कलेक्टर अश्विन के पवार ने अपना कार्यभार ग्रहण किया। पवार ने बालोतरा SDM कार्यालय में पदभार संभाला। इस दौरान SDM नरेश सोनी, तहसीलदार इमरान खान ने स्वागत किया और इस दौरान उपखंड कार्यालय के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। फलसून पोकरण सड़क मार्ग पर स्वामी जी की ढाणी के पास बाइक और बोलेरो कैंपर में भिड़ंत हो गई, जिससे बाइक सवार घायल हो गया। जानकारी के अनुसार गायर सिंह फौजदारी की ढाणी से फलसून की तरफ आ रहा था। इस दौरान सामने से आ रही बोलेरो कैंपर गाड़ी से टकरा गया। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद जोधपुर रेफर कर दिया। बांसवाड़ा में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के प्रचार प्रसार के लिए जिला प्रशासन और चिकित्सा विभाग की ओर से चिरंजीवी मैराथन आयोजन किया गया। कलेक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर मैराथन की शुरुआत की। मैराथन में सैकड़ों शहरवासियों ने भाग लिया और चिरंजीवी योजना में आमजन से जुड़ने की अपील। बूंदी नगर परिषद के सफाई कर्मचारियों ने अपना वेतन नहीं मिलने से नाराज होकर धरना प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने परिषद के बाहर जमकर हंगामा करते हुए धरना देकर सड़क को जाम कर दिया। महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय में स्मार्टफोन वितरित किए गए। रियाबड़ी उपखंड अधिकारी गौरीशंकर शर्मा द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन का वितरण किया गया। इस दौरान अन्य सभी योजनाओं को ऑनलाइन करने के लिए CDPO कार्यालय में प्रशिक्षण प्रदान किया गया। सिरोही के PG महाविद्यालय और कन्या महाविद्यालय शिवगंज के विद्यार्थियों और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एवं राष्ट्रीय कला मंच की ओर से गरबा महोत्सव का आयोजन किया गया। संघवी मातोश्री वाटिका परिसर में आयोजन हुआ। करौली के मोहनपुरा गांव निवासी एक 22 वर्षीय छात्र देवेंद्र 4 दिन से लापता है। चिंतित परिजनों और ग्रामीणों ने कलेक्टर और SP से गुहार लगाकर छात्र का पता लगाने की मांग की। परिजनों ने बताया कि देवेंद्र जयपुर में रहकर BSc की पढ़ाई कर रहा है। वो 7 अक्टूबर को जयपुर के लिए रवाना हुआ था, लेकिन उसके बाद से उसका कोई संपर्क उससे नहीं हो पाया है। झुंझुनू के विद्युत श्रमिक संघ के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने तबादले के विरोध में प्रदर्शन किया। श्रमिक संघ के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं द्वारा अधीक्षण अभियंता कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया गया। धौलपुर में शरद पूर्णिमा के अवसर पर स्वर्णकार समाज द्वारा महाराज अम्बरीश जी के जन्मोत्सव पर पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शहर के होटल अग्रोहा इन में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष और समाज के विभिन्न पदों पर विराजमान रहे संघ कार्यकर्ता सरवन परमार रहे। राजस्थान अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर शंकर यादव डीडवाना दौरे पर रहे। इस दौरान उनका कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत किया गया। इस दौरान डॉक्टर यादव ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर जनसुनवाई भी की। दुदू विधायक एवं मुख्यमंत्री के सलाहकार बाबूलाल नागर ने अपना 62वां जन्मदिन गौ माता को समर्पित किया। उन्होंने बगरू स्थित श्री रामदेव गौशाला एवं देवला स्थित जीव जंतु कल्याण गौशाला में गौ सेवा कर जन्मदिन मनाया। विधायक नागर गौशाला पहुंचे और गौ माता को गुड़ और चारा खिलाकर जन्मदिन मनाया। नागौर में मुस्लिम समाज की ओर से ईद मिलादुन्नबी का पर्व मनाया गया। मदरसा ताजू शरिया और KGN जलसा कमेटी के तत्वाधान में जुलूस निकाला गया। जुलूस शहर के विभिन्न मार्गों से होता हुआ हाफिज साहब की दरगाह पहुंचा। इस दौरान जगह जगह जुलूस का स्वागत किया गया।
कोटा के इटावा क्षेत्र में बेमौसम बारिश से फसलों में हुए नुकसान का पीपलदा विधायक रामनारायण मीणा ने जायजा लिया और सोयाबीन उड़द धान की फसल में हुए नुकसान का अधिकारियों से सर्वे कराकर अतिशीघ्र मुआवजा दिलाने के निर्देश दिए। ब्यावर के समीप अंधेरी देवरी क्षेत्र में पैंथर का खौफ बना हुआ है। विगत कई दिनों से ग्रामीणों को कभी पैंथर आबादी क्षेत्र में दिखाई दे रहे हैं तो कभी पैंथर के पगमार्क ग्रामीणों को मिल रहे हैं, जिसके चलते ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। इसको लेकर पूर्व सरपंच पप्पू काठात के नेतृत्व में ग्रामीणों ने SDM कार्यालय पहुंचकर कार्रवाई को लेकर SDM को ज्ञापन सौंपा। जोधपुर के जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने सूरपुरा बांध के सौंदर्यीकरण और विकास कार्य का अवलोकन किया। इस दौरान जिला कलेक्टर के साथ जोधपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारी मौजूद रहे। वहीं जिला कलेक्टर ने सूरपुरा डैम स्थल पर बारादरी के निर्माणाधीन कार्य का अवलोकन किया। ब्यावर में असामाजिक तत्वों का आतंक दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। ऐसे ही एक मामला शहर के लोकाशा नगर में सामने आया, जहां पर असामाजिक तत्वों की करतूत CCTV कैमरे में कैद हो गई। CCTV कैमरे में 7 से 8 बाइक पर करीब 15 से 20 युवक शोर शराबा मचाते हुए दिख रहे हैं। इस दौरान असामाजिक तत्वों द्वारा घर के बाहर खड़ी कार के शीशे तोड़ दिए और मौके से फरार हो गए। अजमेर के आनासागर झील में एक महिला शव मिला है। सूचना पर गंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और गोताखोरों की मदद से शव को बाहर निकाला गया। वहीं पुलिस महिला की शिनाख्त में जुट गई है। बूंदी में स्थानीय प्रशासन और नगर परिषद की लापरवाही का खामियाजा FCI के कर्मचारी अधिकारियों को भुगतना पड़ रहा है। बूंदी के चित्तौड़ रोड स्थित FCI के गोदाम में कई स्थानों पर पानी भर जाने से आवागमन बाधित हो गया। चेकपोस्ट और टोल कांटे पर करंट आने पर खतरा बना हुआ है। धौलपुर के बाड़ी कस्बे के सामान्य चिकित्सालय में जेब तराश और चोर उचक्कों का लगातार आतंक बढ़ता जा रहा है। ये मलकपाड़ा निवासी रामकुमार मित्तल की जेब से पर्चा बनवाने के बाद जांच कराने के दौरान किसी ने 9,200 रुपए पार कर लिए। घटना के बाद CCTV फुटेज भी खंगाले गए, लेकिन उनमें कोई सुराग हाथ नहीं लगा। राजसमंद के भीम में विद्यालय कक्षा कक्ष का उद्घाटन किया गया। इस दौरान समारोह के मुख्य अतिथि विधायक सुदर्शन सिंह रावत ने 2 कक्षा कक्ष और उप तहसील का शिलान्यास किया। राजसमंद में पावर इंजीनियर एसोसिएशन ऑफ राजस्थान के बैनर तले जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया गया। राजसमंद शाखा के कनिष्ठ अभियंताओं ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपा। झुंझुनू के मंडावा में स्थित पीत रानी मंदिर में पैंथर होने की चर्चाओं के बाद अधिकारी अलर्ट हो गए हैं। पैंथर होने की सूचना पर वन कर्मचारी रामेश्वर ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया। पीत रानी मंदिर में बड़े बड़े पद चिन्ह देखकर लोग उसको पैंथर के पैरों के निशान बता रहे हैं। वहीं लकड़बग्गा होने की भी आशंका जताई जा रही है। राजस्थान सरकार के अल्पसंख्यक उपनिवेशन कृषि संचित क्षेत्र विकास मंत्री सालेह मोहम्मद पोखरण दौरे पर रहे। पोखरण विधानसभा क्षेत्र के दौरे के दौरान मंत्री सालेह मोहम्मद ने विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत की। साथ ही पोखरण शहर के समाजसेवी अमर सिंह चंपावत के निधन पर उनके निवास स्थल पहुंचकर परिवार को ढांढस बंधाया। सिरोही के सबसे बड़े वेस्ट बनास बांध में युवक का शव मिला, जिसकी सूचना पर स्वरूपगंज पुलिस मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर स्वरूपगंज अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। फिलहाल पुलिस मृतक की शिनाख्त के प्रयास में जुट गई है। अजमेर में पुलिस ने शातिर चोर गिरोह के 2 सदस्यों के साथ एक नर्सिंग कर्मी को गिरफ्तार किया। दोनों चोर पहले कार का साइलेंसर चोरी करते हैं और फिर उसे नर्सिंग कर्मी को बेच देते हैं, जिसके बाद नर्सिंग कर्मी उसे रीसाइकिल कर दोगुने दाम में आगे बेचता था। वहीं पुलिस पूछताछ में कई वारदातों को करना कबूल किया है। नागौर आबकारी विभाग ने बकाया राजस्व वसूली को लेकर अभियान फिर से शुरू किया है। नागौर आबकारी विभाग ने पूर्व में अब तक 55 लाख वसूले, एक वाहन को सीज भी किया। नागौर जिला आबकारी अधिकारी मनोज पिस्सा ने बताया कि नागौर जिले के 12 ठेकेदारों की जमीन की संपत्ति कुर्क हो गई है। साथ ही बकाया ठेकेदारों के 76 बैंक खातों को सीज किया गया। धौलपुर के निहालगंज थाना इलाके में स्थित रोडवेज बस स्टैंड पर अज्ञात नकाबपोश बदमाशों ने मारपीट कर कैश लूटने का प्रयास किया। बदमाशों ने खजांचे के कमरे में जाकर रोडवेज कर्मियों के साथ मारपीट करते हुए कैश लूटने का प्रयास किया, लेकिन कैशियर की सूझबूझ से कैश बच गया। अचानक हुए इस हमले में रोडवेज कर्मियों को मामूली चोट आई है। वहीं निहालगंज थाना पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। अलवर के किशनगढ़ बांस में अग्रवाल समाज की कुलदेवी लक्ष्मी माता की रथ यात्रा का किशनगढ़ बांस पहुंचने पर स्वागत किया गया। किशनगढ़ बांस अग्रवाल समाज के अध्यक्ष पवन सिंगल ने बताया कि ये रथ यात्रा धौलपुर से प्रारंभ होकर भारत भ्रमण कर 6 माह पश्चात अग्रोहा धाम पहुंचेगी। 1.5 करोड़ रुपए के नशीले पदार्थ MD के साथ प्रतापगढ़ के कोतवाली थाना पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए 2 तस्करों को अदालत में पेश किया गया। अदालत ने 2 तस्करों को 5 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर सौंपा है। बांसवाड़ा में इन दिनों एक बंदर ने आतंक मचा रखा है। पुलिस लाइन में 4 दिन पहले महिला मजदूर की बेटी को काटने वाले बंदर ने खांदू कॉलोनी पुलिस चौकी में घुसकर जवान के पैर काट लिया। जवान जब तक कुछ समझता बंदर वहां से भाग चुका था।
ब्यावर में पुलिस अधीक्षक चूनाराम जाट द्वारा जिले भर में आरोपियों की धरपकड़ के लिए अभियान चलाया जा रहा है और इसके तहत सदर थाना पुलिस ने खेतों के कुएं में लगी मोटर और इंजन के पंखे चोरी करने के 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। जालौर में गौवंश को लंपी स्किन बीमारी से बचाने के लिए प्रयास जारी है। सांचौर के माखूपुरा में नगर पालिका और व्यापार मंडल की ओर से गौवंश को बचाने के लिए आइसोलेशन वार्ड बनाया गया। इसमें 1 महीने से ज्यादा वक्त से बीमार गौवंश का इलाज किया जा रहा है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के व्यापक प्रचार प्रसार करने के उद्देश्य से जोधपुर में चिरंजीवी मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। उम्मीद हॉस्पिटल के ANMTC सेंटर से अतिरिक्त जिला कलेक्टर रामचंद्र गरबा, उपखंड अधिकारी अपूर्वा परवाल और CMHO डॉक्टर जितेंद्र पुरोहित ने हरी झंडी दिखाकर मैराथन को रवाना किया। झुंझुनू में आबकारी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 12 लाख रुपए की अवैध शराब पकड़ी। तस्कर अवैध शराब को टैंकर में पंजाब से गुजरात ले जा रहे थे। पुलिस को देख टैंकर चालक और खलासी मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। धौलपुर के कंचनपुरा थाना क्षेत्र के करेरुआ गांव में 21 लोग फूड प्वाइजनिंग का शिकार हो गए। एक ही परिवार के 21 लोगों को उल्टी दस्त की शिकायत होने पर बाड़ी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अजमेर के विजयनगर में सिख धर्म के चौथे गुरु श्री गुरु रामदास जी का पावन प्रकाश दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर श्री गुरुद्वारा साहिब में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का विशेष दीवान सजाया गया। नागौर में दीपावली पर बिजली की चाक चौबंद व्यवस्था करने में डिस्कॉम जुट गया है। दीपोत्सव के दौरान बिजली गुल होने की स्थिति से बचने के लिए तैयारियां की जा रही हैं। बिजली के जीर्ण शीर्ण एवं कटे फटे तारों को बदलने, ट्रांसफार्मर की स्थिति जांची जा रही है। इसमें जिले के सभी GSS को भी जांचा जा रहा है। धौलपुर SP धर्मेंद्र सिंह ने वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर सख्ती शुरू कर दी है। यहां 18 आरोपियों पर इनाम घोषित किया गया है, जिसमें प्रतिबंधित चंबल बजरी के दूहन, हत्या, धोखाधड़ी, अपहरण, पोक्सो एवं पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट और संगीन मामलों में फरार चल रहे आरोपी हैं। SP धर्मेंद्र सिंह ने 18 आरोपियों पर इनाम घोषित किया है। जयपुर में भारतीय डाक विभाग द्वारा राष्ट्रीय डाक सप्ताह मनाया जा रहा है। राष्ट्रीय डाक सप्ताह के दौरान देश के सभी डाकघरों में विभिन्न कार्यक्रमों और गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर आम जन में डाक विभाग की भूमिका का व्यापक संदेश प्रसारित किया जा रहा है और इस दौरान विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। अलवर के मरू मार्ग पर कार सवार ने बाइक सवार 3 लोगों को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया, जिनका इलाज राजीव गांधी सामान्य अस्पताल के ट्रोमा वार्ड में चल रहा है। फिलहाल पुलिस कार चालक की तलाश करने में जुट गई है। अलवर के पिनान गांव में बाइक स्लिप होने पर एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका इलाज राजीव गांधी सामान्य अस्पताल के ट्रोमा वार्ड में चल रहा है। घायल विजय राम ने बताया कि वो अपने ससुराल से बाइक लेकर अपने गांव लौट रहा था, तभी बाइक स्लिप हो गई, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।